बस घर पे अपना लगेज रखा, बाकी किट बैग लेके अब पापा के साथ अंकल ड्रॉप कर देते हैं, फिर कुलदीप अपना प्रैक्टिस कंटिन्यू करते हैं। पहले मैक्सवेल तो अभी भी डरता है, मैक्सवेल अभी भी डरता है। मैक्सवेल ने पिछले हमने देखा कैसे अफगानिस्तान के खिलाफ स्पिनर्स को लंबे लंबे छक्के लगाए। आपको क्या लगता है कुलदीप के साथ क्या होगा? नहीं नहीं, कुलदीप के साथ अभी भी डरेगा, डरेंगे मैक्सवेल, आपको लगता है? वैसे तो विश्व कप में भारतीय क्रिकेट टीम के 15 खिलाड़ी हैं और कल ग्राउंड पे 11 खिलाड़ी उतरेंगे, लेकिन उसमें से कुलदीप यादव अपने आप में खास खिलाड़ी हैं क्योंकि प्राइमरी स्पिन अटैक लीड करेंगे इंडिया का और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उनका प्रदर्शन जो है वो सबसे उमदा रहा है। इस वक्त मैं मौजूद हूं कानपुर में उसी रोवर स्पोर्ट्स ग्राउंड में जहां पे कुलदीप यादव ने 10 साल की उम्र से अपनी ट्रेनिंग की शुरुआत की। सबसे पहले वो फास्ट बॉलिंग करते थे और उसके बाद उन्होंने स्पिन अटैक जो है अपना वो थोड़ा धारदार किया और उसके बाद टीम में अपनी जगह बनाई। इस वक्त मौजूद है मेरे साथ कई लोग जो कि इसी ग्राउंड में कुलदीप के साथ खेलते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, कोशिश करेंगे बात करेंगे उनसे कि क्या बात कुलदीप से होती। क्या नाम है आपका भाई? अर्जुन पांडे। ये बताइए कि आप लोग यहाँ पे इस ग्राउंड पे रेगुलर खेलते हैं, कुलदीप भी आते हैं आप लोगों के साथ प्रैक्टिस करते हैं, क्या बातचीत होती है, किस तरीके का नेचर रहता है आप लोगों के साथ उनका बात करने के लिए? कुलदीप से बस एक चीज सीखने को मिलती है, हम मुझे भी और बाकी सब लड़कों को, कि पॉजिटिव रहें और मैं अपने काम पे अपने बॉलिंग पे मेहनत करते रहें। हर दिन मेहनत करनी है, किसी टाइम भी ये नहीं कि आप आज अच्छे हो गए तो कल अब रेस्ट कर लें। तो मेहनत करना हमारे लड़के सीखते हैं, हम भी सीखते हैं कि कैसे हार्ड वर्किंग रहना है, पॉजिटिव रहना है टीम में। जैसे कुलदीप इतने अप डाउन रहे तो उन्होंने शेयर भी किया, चाहे कुछ भी चीज़ हो मुझे अपने बॉलिंग से फोकस है, मुझे इससे मतलब नहीं है कि क्यों नहीं हुआ, मैं और बेटर बेटर से बेटर कैसे बन सकता हूँ। तो उस पर कुलदीप यहाँ आते हैं, अभी भी प्रैक्टिस करते हैं लगातार रेगुलर या फिर घर पे आते हैं और घर पे ही थोड़ा रहना पसंद है? कुलदीप का तो ये रूटीन है कि अगर एयरपोर्ट से आए तो बस घर पे अपना लगेज रखा, बाकी किट बैग लेके पापा के साथ अंकल ड्रॉप कर देते हैं, फिर कुलदीप अपना प्रैक्टिस कंटिन्यू करते हैं। उसमें भी अगर आप होंगे और देखेंगे उनको तो एक भी शिकन नहीं रहती उनके कि ट्रैवल करके आ रहे हैं, कितना हैक्टिक होता है, कहाँ से कहाँ फ्लाइट चेंज करनी होती है, बट स्टिल वो बहुत पॉजिटिव रहते हैं। तो पॉजिटिवनेस कुलदीप की उनका मेन हथियार है, मतलब काफी पैशन भी है फिलहाल क्रिकेट को लेके। आपका क्या नाम है? अनमोल पांडे। अनमोल, ये बताइए कि आपके साथ यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं कुलदीप, वर्ल्ड कप के पहले भी यहाँ पे प्रैक्टिस करने आए थे? हाँ जी, वर्ल्ड कप के पहले प्रैक्टिस की थी और हम लोगों ने दो वनडे के मैचेस भी खेले थे जिसमें एक मैच में उन्होंने 5 विकेट लिए थे और 80 रन भी बनाए थे। अच्छा, तो आप बता रहे हैं कि आने के पहले भी आप लोगों के साथ रेगुलर मैच खेलते थे। ये बताइए कि बीच में उनका फॉर्म जो है वो काफ़ी ख़राब रहा था, टीम से बाहर भी थे और लेकिन कमबैक किया, उस टाइम पे किस चीज़ पे उन्होंने यहाँ पे आके काम किया, किस चीज़ की प्रैक्टिस करी कि जो फाइनली वर्ल्ड कप फाइनल में इंडिया का स्पिन अटैक लीड कर रहा है? सबसे पहले ये आपको बताऊँ कि वो मतलब मोटिवेट बहुत अच्छा करते हैं और मैंने उनको कभी निराश होते नहीं देखा है। अगर टीम में वो बाहर भी हैं, जगह नहीं बन पा रही है, लेकिन फिर भी उनके अंदर एक ललक थी कि मैं ये मतलब और बेहतर करके टीम में जगह बना सकता हूँ और उसका रिजल्ट आज सब देख रहे हैं। आपका क्या नाम है? देवाशीष श्रीवास्तव। ये बताइए कि आप लोग भी यहाँ प्रैक्टिस करते हैं, कुलदीप भैया जब आते हैं आप लोग के पास ट्रेनिंग वगैरह आप लोग साथ में करते हैं, क्या बातें होती हैं, क्या आप लोग को टिप्स भी देते हैं या फिर अपना ही प्रैक्टिस करते हैं? नहीं, हमेशा समझाते हैं गेम के बारे में कि कैसे और दिन पे दिन इम्प्रूव कर सकते हैं और अंडर 14, 16, 19 के मैचेस में कैसे रन बना सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं, सारी चीज़ें शेयर करते हैं, टीम का एक्सपीरियंस और अपना एक्सपीरियंस यहाँ पे। कल ऑस्ट्रेलिया के साथ मैच है, प्रदर्शन काफ़ी अच्छा रहा है, क्या उम्मीद करते हैं कि कल कितने विकेट लेंगे? कल 5 विकेट की उम्मीद है उनसे और वर्ल्ड कप लाने की उम्मीद है घर पे। उम्मीद है। आपका क्या नाम है? आशुतोष साहू। ये बताइए कि आपका क्या एक्सपीरियंस है कुलदीप जी के साथ जो यहाँ पे आके प्रैक्टिस करते हैं, आप उन्हीं के साथ उसी एकेडमी के हैं, लगातार प्रैक्टिस करते हैं, कैसा एक्सपीरियंस है? एक्सपीरियंस अच्छा है, काफ़ी चीज़ें वो बताते हैं, शेयर करते रहते हैं कि मतलब कैसे बैटिंग करनी है, कैसे मैचेस हैंडल, प्रेशर हैंडल करना है मैचेस का और कैसे मतलब अपने ट्रायल्स के मैचेस खेलने हैं, सब चीज़ें बताते रहते हैं वो। तो क्या अब सिर्फ समझाते हैं कि डांटते भी अगर कोई गलती होती है तो? नहीं नहीं, समझाते हैं, डांटते भी हैं, सब गलती होती है डांटते भी हैं सब कुछ और बराबर बताते हैं, बराबर बताते हैं। आप बताइए आपका क्या नाम है? रितेश यादव। ये बताइए कि आपका क्या एक्सपीरियंस है कुलदीप जी के साथ यहाँ पे आते हैं प्रैक्टिस करते हैं, क्या आप और भी लोग हैं उनकी मदद करते हैं टिप्स देने के लिए, किस तरीके से मदद? जी वो हमेशा सपोर्ट करते हैं सबको, जैसे किसी के पास कोई सामान नहीं हुआ तो किट्स वगैरह सब प्रोवाइड करा देते हैं, हमेशा सपोर्ट करते हैं कि जैसे सेलेक्ट नहीं हुए उसमें 14-16 में कभी निराश नहीं करते हैं, मतलब कोई नहीं मेहनत करो और आगे जाओगे कोई बात नहीं, हमसे सपोर्ट किट्स लोगों को देते हैं, इसका मतलब क्या है? मतलब उनके मतलब जैसे पैड हो गया, बैट हो गया, मतलब जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं जो बच्चे उन लोग की मदद। जी चलिए बढ़िया है। आप लोग, आपका क्या नाम है? दीपक। ये बताइए दीपक, कल के मैच के बारे में क्या लग रहा है, कुलदीप यादव कितने विकेट निकालेंगे? 5-6 विकेट लेंगे आराम से। 5-6 विकेट आराम से लेंगे? पहले उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखा है ऑस्ट्रेलिया से आपने? हाँ, पहले भी मैक्सवेल तो अभी भी डरता है, मैक्सवेल अभी भी डरता है। मैक्सवेल ने पिछले हमने देखा कैसे अफगानिस्तान के खिलाफ स्पिनर्स को लंबे लंबे छक्के लगाए, आपको क्या लगता है कुलदीप के साथ क्या होगा? नहीं नहीं, कुलदीप के साथ अभी भी डरेगा, डरेंगे मैक्सवेल, आपको लगता है?
आप लोग विश करना चाहेंगे इंडियन क्रिकेट टीम को कल के फाइनल के लिए? यस यस, विश करना चाहेंगे। क्या आप लोग का क्या एक्सपीरियंस है कुलदीप जी के साथ यहाँ पे आते हैं, क्या बातचीत आपसे होती है? बहुत अच्छा रहता है, कुलदीप जी आते हैं, बहुत मैच खेलते हैं हम लोग के साथ, बहुत अच्छा लगता है, बहुत चीज़ें बताते हैं आप लोग को। चलिए एक फाइनल वाला एक ऑल द बेस्ट मैसेज हो जाए कुलदीप आपके भैया के लिए जो यहाँ पे आपके सामने प्रैक्टिस करते हैं। ऑल द बेस्ट कुलदीप भाई। तो ये थे कुलदीप यादव के साथी जो उनके साथ क्रिकेट खेले हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि कल जब ये मैच हो तो इंडिया तो जीते ही लेकिन कुलदीप यादव का जो प्रदर्शन है वो सबसे अच्छा हो। वीडियो जर्नलिस्ट अमित के साथ सिमर चावला, कानपुर